हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, आपके बॉडी जो है आपको इंडिकेट करना शुरू कर देती है, मतलब ये कि आपको बताना शुरू कर देती है। बहुत सारे ऐसे लक्षण मैंने अपने चैनल पे बताए हैं, आप जाके वो देख सकती हैं। आज जो मैं लक्षण लेके आई हूँ, वो आप अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो मे बी आपने कंसीव कर लिया है इस मंथ। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र पे उसका इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपको अपच, कब्ज की समस्या अगर उत्पन्न हो गई है। ये समस्या नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। अपच की, कब्ज की, मतलब कि आपके पेट में गैस बन रहा है, पेट आपको कड़क नज़र आ रहा है, पेट टाइट लगता है, आपने कुछ नहीं भी खाया है, फिर भी ऐसा लगता है कि पेट में बार बार गैस बन रहा है और आप बहुत अनकॉन्शियस फील कर रही हैं, पेट कड़क भी है, टाइट भी है। शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। ये कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा होता है कि महिलाओं को पेट में गैस, कड़क होना, गर्भाशय के आकार में चेंजेस होने के कारण भी पेट में कड़कपन महसूस होता है। तो इसलिए ये सारे सिम्टम्स जो है नए नए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेट के अंदर जो है बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं, जिससे कि उसका इफ़ेक्ट आप पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो पेट में गैस, अपच, कब्ज की समस्या, साथ ही पेट में कड़कपन, टाइटनिंग होना, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती सिम्टम्स हैं। अगर पेट कड़कपन की बात करें, तो ये लेबर पेन के दौरान भी होता है, जो कि प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में होती है। वो तो अंतिम महीना है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में भी ये पेट में कड़कपन की जो लक्षण है वो देखे गए हैं महिलाओं में। तो बहुत सारी महिलाओं में पेट का कड़क होना, पेट अगर कड़क हो रहा है, और साथ ही पेट में गैस भी बन जाता है, कब्ज की भी समस्या हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण आप में दिखने शुरू हो गए हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि महिलाओं में क्रैम्पिंग भी देखी गई है, मतलब कि वो इम्प्लांटेशन की भी क्रैम्पिंग हो सकती है, फर्टिलाइजेशन की भी क्रैम्पिंग हो सकती है, या फिर कंसीव हो चुका है ये भी हो सकता है। तो महिलाओं में बहुत ज़्यादातर जो है ये क्रैम्पिंग की शुरुआती जो लक्षण होते हैं, क्रैम्पिंग की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो नाभि के निचले सतह में अगर आपको कई बार क्रैम्पिंग महसूस हुआ है, दर्द महसूस हुआ है, वो दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उस दर्द को आप पेट को पकड़ के बैठ गई हैं और घंटों तक उसमें दर्द रह रहा है पेट में, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल थोड़ी सी इंटेंसिटी में उसकी जो तीव्रता है, उसका जो तीव्र है वो बिल्कुल कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाएंगी और घंटों आप पेट पकड़ के बैठी हुई हैं, ऐसा दर्द नहीं होगा। वो क्रैम्पिंग बिल्कुल लो क्रैम्पिंग होती है, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुका है, इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो महिलाओं में शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में क्रैम्पिंग की भी समस्या होती है, जिसे हम कई बार इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी कहते हैं, जो कि एब्डोमिनल एरिया में नाभि के नीचे आपको महसूस होगी। तो अब मैंने जो भी लक्षण बताए हैं, उनमें से कुछ भी आपको महसूस हो रहा है और वो नया नया है, पहले कभी महसूस नहीं हुआ है, कंसीव करने के लिए जब आपने ट्राई किया तभी आपको महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंसीव हो चुका है ये बताता है। अब आपको रिजल्ट अगर पता करना है, तो पीरियड को मिस होने दे, डेट को मिस होने दे, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करने का कब सही समय होता है, डेट मिस होने के 10 दिन के बाद से अगर आप टेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट रिजल्ट आए की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आप डेट मिस होने के 10 दिन के बाद से आपको टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि संभावनाएं हो कि पॉजिटिव रिजल्ट आए। फिर भी अगर बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि रेगुलर पीरियड होने के बाद भी प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट है, उसमें मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है कॉमेंट बॉक्स में कि टेस्ट किट में जो है कई बार पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आ रहा है, तो सबसे बेहतर उपाय ये होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, वहाँ आपको सटीक रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।